आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए अग्निपथ स्कीम लाई, लेकिन ये स्कीम युवाओं को नहीं भा रही है। और फिर अब विरोध की आंधी शुरू हो गई है, जगह जगह प्रदर्शन और फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आखिरकार क्यों इस स्कीम को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें बिहार के युवा सबसे ज्यादा उग्र और गुस्से में नजर आ रहे हैं। सेना में भर्ती की नई स्कीम को लेकर बिहार में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों की कई चिंताएं हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो सेना में भर्ती के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, फिर इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो क्या फायदा। गरीब के बच्चे 4 साल की नौकरी करने जाएंगे सेना में, और ये 4 साल की नौकरी करने जाएंगे तो उसमें 6 महीना ट्रेनिंग हो जाएगा, बचेगा आ जाओ छुट्टी, आना जाना 90 दिन, उसमें 2 साल बचेगा। 2 साल ड्यूटी करने के बाद में यदि हम यहाँ आएंगे तो हमको कौन सी जॉब मिल जाएगी, और उसके बाद बताते हैं यहाँ पे जॉब दी जाएगी। इससे पहले जो आर्मी में रहते थे रिटायर होके आते हैं, 1% लोग होंगे जिसको क्या नाम है गार्ड की जॉब मिलती है किसी बैंक में या कहीं पे, कितनी जॉब इन्होंने दे दी है। केंद्र सरकार राज्य सरकार भले ही कह रही है कि विभिन्न मंत्रालयों में अर्ध सैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन युवा इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी बड़ी चिंता यह है कि 4 साल बाद आखिर ये लोग क्या करेंगे। ये छात्र इन बातों से भी नाराज है कि सेना की अब तक जो भर्ती प्रक्रिया चली आ रही है उसका फिजिकल होने के बावजूद इनको अब तक सेना की नौकरी नहीं मिली। एग्जाम नहीं हुआ, मेडिकल फिट हो गया है, फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसे बच्चे जिनका डिस्पैच बाकी हुआ है, जो लड़का 19 में हाई स्कूल पास हुआ है उसकी एज कम से कम 17 साल तो होगी, 20 हुआ, 18 हो गया, 21 हुआ, 19, 22 हो गया, 23 साल में वैसे ओवर एज हो गया। नहीं, ओवर एज में छूट दे रहे हैं, 21 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, 21 साल तक एज की है। और वही प्रदर्शन की आग शहर शहर में देखने को मिल रही है। कहीं युवा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं तो कई जगहों पर यात्री ट्रेनों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई है। छात्र और युवा रेलवे पटरियों और नेशनल हाईवे पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। वहीं कुछ जिले में नेशनल हाईवे पर भी प्रदर्शन किया गया है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। युवा को अपने हक की बात करने का पूरा अधिकार है, लेकिन छात्रों का उग्र हो जाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी मायने में सही नहीं है। प्राइम टीवी डेक्स रिपोर्ट। अब सबसे बड़ा सवाल है, निशान यह खड़ा होता है कि क्या सरकार अब इन युवाओं को यह समझाने में कामयाब होगी कि यह योजना उनके हित में है, या फिर युवा का प्रदर्शन और उग्र होगा। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।